welcome to sleepy classes in today's two minute series for polity and governance now before we get into the lecture आज का जो lecture है बहुत ही relevant है दोनों ही prelims and mains perspective से उससे पहले बस मैं आपको बता देना चाहती हूँ very quickly that 19th april जो है हमारे batch two की enrollment की लास्ट डेट है ठीक है इस डे ऑनवर्ड्स जो है हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी सो एटीन अप्रैल इन फैक्ट विल बी द लास्ट डेट टू एनरोल एट स्लीपी क्लासेस Uh, की हमारी जो वेबसाइट है स्लीपी क्लासेज डॉट कॉम वहाँ पर जाके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और इफ़ यू वॉन्ट इवन मोर डिटेल्स अबाउट इट वहाँ पर वेबसाइट पर दिए गए एक टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं एंड योर क्वेरीज़ विल बी आंसर्ड ठीक है हमारा जी एस का प्री प्लस मेन्स प्रोग्राम जो है हमारा एस ए बैच प्लस हमारे दोनों जो ऑप्शनल है पोलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन एज़ वेल एज सोशियोलॉजी दोनों की ही बैच टू जो हैं शुरू हो जाएंगे ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं आज की इंपॉर्टेंट टू मिनट्स की तरफ वेरी क्विकली आज का टू मिनट्स जो है डील करता है विद अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है ये आर्टिकल टू फोर्टी फोर ए अब कई बार जो है बहुत Uh, सारे बच्चों को ये क्वेरी होती है कि क्या सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं राइट क्या सारे आर्टिकल्स को रटने की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली ये पॉसिबल ही नहीं है ठीक है वी नो दैट आर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन ऑफ द इट इज़ द लेंदीएसट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ़ द वर्ल्ड तो यहाँ पे लॉयर्स को सारे आर्टिकल्स याद नहीं होते तो हम लोग तो फिर भी मेयर मॉडल्स हैं राइट तो आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है सारे आर्टिकल्स को रटने में यू हैव टू रियलाइज़ दैट देर आर सर्टन आर्टिकल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं राइट right? तो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के जो है सारे आर्टिकल्स हो गए देन आपके जो आर्टिकल्स विद रिस्पेक्ट टू से रिव्यू की पावर्स हो गई राइट द पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस हो गई आपकी एमरजेंसी के रिलेटेड जो है आर्टिकल्स हो गए ठीक है आपके जो है अमेंडमेंट से रिलेटेड जो है uh, आर्टिकल हो गया राइट right? तो ऐसे आर्टिकल्स जो है कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं जिनको आपने रटना होता है अलॉन्ग विद्सो सर्टन आर्टिकल्स जो कि न्यूज के अंदर आते हैं राइट right? सो तो कई बार जो है यूपीएससी प्रीलिम्स में भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस जो है पूछ लेता है राइट right? किसी स्टेटमेंट फॉर्मेट के अंदर या फिर कई बार मेंस के अंदर भी इनकी रेलेवेंस जो है विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन इशू उसके रिगार्डिंग जो है ये पूछ लेता है राइट right? जैसे कि अब मैंने बात करनी है आज किसकी आर्टिकल टू ए की राइट right? तो प्रीलिम्स के अंदर तो फॉर एग्जाम्पल ये स्टेट फॉर्वर्ड क्वेश्चन की तरह से आ सकता है दैर विच ऑफ द फॉलोइंग इशूज आर रिलेटेड टू टू वहीं अगर हमसे बात करें इन टर्म्स ऑफ मीन्स हम बात कर सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो सुनिस्ट फेडरलिज्म है उसके अंदर हम अगर ट्राइबल्स एंड ट्राइबल एरियाज की बात करें एंड एरिया स्टेटस की बात करें एंड उनके रिगार्डिंग प्रोविजन की बात करें तो हाउ वुड यू असेस द ऑफ सच एन आर्टिकल या फिर अगर एक ब्रॉडर क्वेश्चन ही आ जाए ओवर द गवर्नेंस ऑफ ट्राइबल एरियाज वहां पर ऐसे क्वेश्चन ऐसे आर्टिकल को कोट को करना जो है इंपॉर्टेंट हो

सिक्स शेड्यूल वाले एरियाज थे उनके अंदर इलेक्शंस आ रहे हैं राइट अप्रैल फर्स्ट को जो है उनके इलेक्शंस थे ठीक है अब इसके चलते हुए कांग्रेस के राइट कांग्रेस के जो आपके आ, 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 लीडर राहुल गांधी ने अपने एक वीडियो आ, एक वीडियो के अंदर मेंशन किया कि कांग्रेस जो है एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड जो है इस रीजन की फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल टू ए इफ़ वी कम टू पावर तो हम ये 244 ए को जो है इंप्लीमेंट करेंगे अब ये 244 ए है क्या है ना ये सबसे पहला क्वेश्चन आता है ये 244 ए जो है इनफैक्ट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में पाया नहीं जाता था इट वाज एडेड इन 1969 बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट बाय अ 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ठीक है तो 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था उसके थ्रू ये आर्टिकल ऐड किया गया था व्हिच इज द आर्टिकल 244 अब ये क्या प्रोवाइड करता है ये प्रोवाइड करता है कि आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है दैट इज असैम उस स्टेट के इन भी आप एक ऑटोनॉमस स्टेट जो है क्रिएट कर सकते हैं ठीक है अब ऑटोनॉमस स्टेट का क्या मतलब हुआ ऑटोनॉमस स्टेट बेसिकली मींस कि आप जो हैं अगर एक बड़ा स्टेट है उसके कुछ रीजन जो हैं राइट बिकॉज ऑफ़ द सर्टेन काइंड ऑफ पैक्यूलैरिटीज़ जो हैं इन रीजन्स की राइट मे बी बिकॉज ऑफ़ द प्रेवलेंस ऑफ आपकी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है और उनके इंडिजीनियस कस्टम्स हैं एंड उनकी जो लाइवलीहुड है राइट right? उसको मेंटेन करने के लिए कुछ रीजन्स को आप एक ऑटोनॉमस स्टेट बना सकते हैं विद इन अ स्टेट जिसके पास ऑटोनॉमी होगी राइट जिसके पास फ्रीडम होगी जिसके पास पावर्स होंगी विद रिस्पेक्ट टू डिसीजंस इन सर्टेन एरियाज़।

तो किसी कुछ एरियाज के अंदर पावर्स जो हैं लॉ बनाने की और उनको एग्जीक्यूट करने की इस ऑटोनॉमस स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड लेजिस्लेचर को सौंपी जा सकती हैं राइट सो दिस इज समथिंग जो कि आपका आर्टिकल 244 ए अलाउ करता है फर्दर वो यही जो 22nd अमेंडमेंट थी ये एक और चेंज लेके आई थी इसने क्या किया दैट अ प्री एग्जिस्टिंग आर्टिकल जो था इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 275 जो कि डील करता है विद रिगार्ड टू पेमेंट ऑफ सर्टन सम्स एंड ग्रांट्स तो इन्होंने अमेंड कर दिया इस आर्टिकल 275 को और इन्होंने कहा कि जब भी ऐसा एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाया जाएगा एज पर आर्टिकल 244 ए तो डिसीजन लिए जाएंगे कि इस ऑटोनॉमस स्टेट के काम करने के लिए द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ रिक्वायर्ड राइट दिस मनी जो कि ग्रांट्स के रूप में आएगा जो कि सर्टन सम्स के रूप में आएगा राइट right? उसको प्रोवाइड किया जाएगा टू दिस ऑटोनॉमस स्टेट वेन एवर इट इज फॉर्म्ड एज पर आर्टिकल टू फोर्टी फोर ए राइट के ऑटोनॉमस स्टेट अगर आपने बना दी और अगर उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं हुई तो आखिरकार उस ऑटोनॉमस स्टेट काम किस तरह से करेगा ठीक है काम ही नहीं कर पाएगा वो राइट right? तो उसको एक फाइनेंशियल फाउंडेशंस बनाने के लिए 275 के अंदर भी जो है ये प्रोविजन प्रोवाइड कर दी गई थी Now, very आपका फिफ्थ शेड्यूल है जो कि डील करता है शेड्यूल्ड एरियाज के साथ एंड सिक्स शेड्यूल है जो कि डील करता है आपके ट्राइबल एरियाज के साथ तो हम क्वेश्चन रेज होता है कि आखिरकार ये लोग 1969 के अंदर अमेंडमेंट के थ्रू एक ये 244 ए आर्टिकल क्यों लाए

ये दो जो हैं आपके सिक्स शेड्यूल के साथ डील करते हैं यू हैव टू रिमेंबर 244 फोर्टी फोर ए इज डिफरेंट ठीक है दिस इज डिफरेंट फ्रॉम सिक्स शेड्यूल 244 फोर्टी फोर क्लॉज टू इज अ पार्ट ऑफ सिक्स शेड्यूल ठीक है अब सिक्स शेड्यूल जो है प्रोवाइड करता है सर्टन प्रोविजन hmm. जहां पे कुछ हद तक ग्रेटर पोलिटिकल ऑटोनॉमी ग्रेटर पोलिटिकल फ्रीडम एंड डिस गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस क्या होती है जब गवर्नेंस जो है आपकी लोकल डिस्ट्रिक्ट की जो काउंसिल्स है उनके हाथ में हो हम जब बात करते हैं आ, से के पंचायती राज आ, जो है हमारी इंस्टीट्यूशंस या हमारी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हो गई अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हो गई उनके हाथ में जब कॉन्क्रीट पावर्स होती है टू ब्रिंग अबाउट सर्टन लॉज टू ब्रिंग अबाउट सर्टन चेंजेस राइट कि वो कुछ फंक्शंस निभा पाएं उसको हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं ठीक है सो टास्क ऑफ द डे आपने मुझे बताना है कि पी आर आईज एंड यू एल इज योर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड योर अर्बन लोकल आपकी जो बॉडीज़ हैं राइट वो किस शेड्यूल के अंदर जो है मौजूद है एंड कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो क्रिएट की गई थी राइट सो टास्क ऑफ द डे अब ये जो शेड्यूल है हम वापस आते हैं सिक्स शेड्यूल पे सिक्स शेड्यूल क्या कहता है कि प्रोविजन है फॉर पोलिटिकल ऑटोनॉमी कुछ सर्टन ट्राइबल एरियाज के लिए राइट सो विद रिस्पेक्ट टू सर्टन स्टेट्स हम इन स्टेट्स के ट्राइबल एरियाज को जो हैं हम देते हैं क्या हम देते हैं एक ऑटोनॉमी एंड ऑटोनॉमी किस तरह से हम देंगे कि ये डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है ऑटोनॉमस काउंसिल्स बन सकती हैं राइट right? दूसरा टास्क आपने मेरे को स्टेट्स बताने हैं जो कि सिक्स शेड्यूल के अंदर आते हैं टाइम एंड अगेन ये डिस्कस किया गया है राइट सो दैट इज योर सेकेंड टास्क अब इन्होंने क्या कह दिया कि ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बन सकती है इन एडमिनिस्ट्रेटिव एरियाज में इन ऑटोनॉमस काउंसिल्स के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे इन पर्टिकुलर ट्राइबल ग्रुप से एंड वो जो है विद रिस्पेक्ट टू सर्टन सब्जेक्ट वो जो है अपने जो उनके कस्टमरी लॉज हैं उनको आगे बढ़ाएंगे एंड उनके रिगार्डिंग जो है वो डिसीजन लेंगे असम के अंदर स्पेसिफिकली हम कहते हैं कि हिल डिस्ट्रिक्स एरियाज जो हैं ऑफ दीमा हसाओ कार्बी आंगलोंग एंड वेस्ट काराबी एज वेल एज द बोडो टेरिटोरियल रीजन वो इस सिक्स शेड्यूल के अंडर आते हैं ना वेरी क्विकली हम आपको नॉर्थ ईस्ट के एरियाज के जो वेरियस स्टेट्स हैं उनके हम आपको बता दें कि कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं जो जिनके अंदर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स एग्जिस्ट करती हैं राइट right? जैसे कि आप सबसे ऊपर देख सकते हैं वो है आपका बोडोलैंड राइट देन आप थोड़े से आते हैं टूवर्ड्स ईस्टर्न असाम तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं आपका कार्बी आंगलोंग का एरिया उसके नीचे जब आप जाते हैं तो आपका जो दीमा हसाओ का ऑटोनॉमस काउंसिल है वो वहां पे एग्जिस्ट करता है ठीक है उसके साथ में आपका क्या शुरू हो जाता है उसके लेफ्ट ऑनवर्ड्स जो है शुरू हो जाते हैं आपके जो मेघालय के एरियाज है ठीक है मेघालय के ये कौन से एरियाज हैं आपके आपके गारो खासी एंड जैंतिया हिल्स जहां पे अगेन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट अलाउड है नाउ इफ वी कम टू त्रिपुरा राइट त्रिपुरा के अंदर जो है अगेन आपके ट्राइबल एरियाज की जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं वो ग्रीन में दी गई हैं उसके नीचे अगर हम आ जाए तो आपको मिलती है द थ्री एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वन विच आर ऑफ चकमा लाई एंड मारा ठीक है ये सारे जो हैं आपके इंपॉर्टेंट कुछ हो गए राइट नीचे ये आपके चकमा लाओ लाई एंड मारा आपके मिजोरम के अंदर आ गए ठीक है तो एक तरह से आपको मैंने बता भी दिया है कौन से सिक्स शेड्यूल के स्टेट्स बट फिर भी आप लिखिएगा जरूर ठीक है तो ये जो है आपके ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं नॉट टू बी कंफ्यूज 244 ए में क्या थे ऑटोनोमस स्टेट थे यहां पे किसकी बात हो रही है ऑटोनॉमस काउंसिल की बात हो रही है कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वहाँ पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बन जाएंगी नॉट ऑटोनॉमस स्टेट तो अगर कोई क्वेश्चन आए फॉर एग्जांपल प्रीलिम्स में विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू विद रिगार्ड टू आर्टिकल 244 ए पहली स्टेटमेंट बोल दे दैट दिस इज एप्लीकेबल इन ट्राइबल एरियाज करेक्ट सेकेंड स्टेटमेंट बोले दिस लुक्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस इन दीज ट्राइबलॉमसर देन ऑटोनॉमस काउंसिल्स वेरी इंपॉर्टेंटली 244 फोर्टी फोर ए सिर्फ एक स्टेट दैट इज जो पर्टिकुलर असाम है उसकी बात कर रही है ठीक है अब 244 ए वेरी इंपॉर्टेंटली एक और तरह से डिफरेंट है एक तो ऑटोनॉमस स्टेट हो गई असाम की पेक्यूलरिटी की बात हो गई साथ ही में ये पावर देता है ट्राइबल एरियाज को वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स इन दिस रिगार्ड इज कौन सी आपकी लॉ एंड ऑर्डर को लेके वेरी जो आपकी काउंसिल्स बनती है अंडर द सिक्स शेड्यूल उनको ये पावर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर अवेलेबल नहीं होती है तो इसका मतलब क्या है कि सिक्स शेड्यूल से भी ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर देता है जो आपका 244 ए है एंड कॉन्क्रीट पावर्स जो है वो ऑटोनॉमस स्टेट के हाथ में देता है ठीक है तो ये जो है आपको याद रखने की जरूरत है अगेन मेन्स से इंपॉर्टेंट हो जाती है इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स ऑल्सो इसका बैकग्राउंड ऑल्सो तो हम फटाफट वो भी कवर कर लेते हैं नाइनटीन में बेसिकली इन रीजन के अंदर एक डिमांड उठी थी कि हमें एक सेपरेट हिल स्टेट चाहिए जो कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन वाले एरियाज हैं उनको इकट्ठा रखें ना यू ऑल्सो अंदर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का मैप उस कंप्लीटली डिफरेंट दिस वॉज एन अनडिवाइडेड असाम ठीक है तो ये आसाम जो है बहुत बड़ा था जिसके अंदर स्टेट्स लाइक मेघालय भी अभी तक इंक्लूडेड ठीक है अब इस दौरान क्या होता है कि ऑनवर्ड्स ये मूवमेंट जो है एक पोलिटिकल मूवमेंट बन जाती है एंड बहुत सारे जो वेरियस पोलिटिकल पार्टीज थी वेरियस पोलिटिकल ग्रुप्स थे वो कंबाइन हो जाते टू फॉर्म वॉट वी नो एज द ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस एंड यहां पर जो है वो एक सेपरेट स्टेट की ही डिमांड करनी शुरू कर देते हैं एंड वो सेपरेट स्टेट को एक आइडेंटिटी मिलती है एक सेपरेट स्टेट हो जाके मिलता है नाइनटीन सेवेंटी टू में विद द फॉर्मेशन ऑफ मेघालय ठीक है इसके बाद भी जो है क्या होता है कि आपके जो कार्बी आंगलोंग एंड नॉर्थ कच्चर हिल्स हैं ठीक है, है कि अगर आप असाम में रुकना चाहते हैं, आप में रुक सकते हैं या फिर ये जो हम नया स्टेट बना रहे हैं अब वहां पर जा सकते हैं अब यहां के लीडर्स जो हैं, दे इनको प्रॉमिस कर दिया गया था कि क्रेडिबल पावर्स दैट विल बी गिवन टू दैम तो इसी प्रोमिस के चलते हुए दे डिस टू स्टे पुट योर बिकॉज टू फोर्टी फोर ए जो है इंप्लीमेंट किया जाएगा

उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया उन्होंने कहा कि अब हमको सिर्फ एक ऑटोनॉमस स्टेट ही नहीं बल्कि अब हमें क्या चाहिए हमें एक इनफैक्ट फुल फ्लैज स्टेट चाहिए जो कि सिर्फ हमारा हो ठीक in है हाउर फेब ट्वेंटी ट्वेंटी वन में फाइनली दिस वायलेंट मूवमेंट केम टू एन एंड विद दिस इंसर्जेंस इन फैक्ट इन अम्बॉलिक मूव इन्होंने ले डाउन किए अपने आर्म्स जो हैं इन फ्रंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर सोनोवाल ठीक है और उन्होंने कहा कि ये जो एक वायलेंट इंसर्जेंट मूवमेंट है नाउ कम्स टू एन एंड हाउएवर इसका ये मतलब नहीं है कि एक जो डिमांड फॉर एन ऑटोनॉमस स्टेट है वो खत्म हो गई है वो अभी भी इस रीजन में अवेलेबल है उसकी डिमांड जो है टाइम एंड अगेन मांगी जाती है जिसके कारण अगेन राहुल गांधी ने ये आइडिया जो है सामने रखा राइट सो दिस वाज़ ऑल जो कि इंपॉर्टेंट है आपके 244 ए को लेके राइट right? ये चीजें जो है याद रखनी जरूरी है राइट right? तो आप इनको दोबारा पढ़िए इनके पी जो है हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है तो वहां पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं राइट दिस इज ऑल फ्रॉम आज थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग स्लीपी क्लासेस